आज हम मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में जानेंगे। What is human geography? मानव भूगोल क्या है? देखिए, मानव भूगोल मानव और उसके भौतिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल में मनुष्य और पृथ्वी से संबंधित सभी वस्तुओं के अंतर संबंधों की व्याख्या की जाती है। किसी भी प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियाँ, भूरचना, जलवायु, जलराशियाँ, वनस्पति, वहाँ की मिट्टियाँ, सभी खनिज पदार्थ और जीव जंतु आदि का मनुष्य के रहन सहन, उसके क्रियाकलापों और उसके आचार विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सभी मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। साथ ही हम ये भी पढ़ते हैं कि मानव किस प्रकार इन भौगोलिक तत्वों को अपने कार्यों के लिए उपयोग में लाता है। यानी हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल में मनुष्य और हमारा जो पृथ्वी का जो भी तत्व मौजूद हैं, उन सब के अंतर संबंधों का सम्मिलित अध्ययन, सम्मिलित व विस्तृत अध्ययन जो है वो मानव भूगोल कहलाता है। देखिए, मानव भूगोल का जो प्रादुर्भाव और विकास है वह मुख्यतः 18वीं शताब्दी से माना जाता है और इसको अनेक विद्वानों ने अपने अनुसार परिभाषित करने का प्रयास किया है। जो आधुनिक मानव भूगोल है उसके जन्मदाता जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेट्ज़ल को कहा जाता है। फ्रेडरिक रेट्ज़ल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रेट्ज़ल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव भूगोल की परिभाषा दी। मानव भूगोल को अनेक विद्वानों ने, फ्रेंच, अमेरिकन आदि कई विद्वानों ने परिभाषित किया और मानव भूगोल से संबंधित सामग्री को पुस्तकों में हमें बताया। चलिए, सबसे पहले हम लेते हैं फ्रांसीसी विद्वान, एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोल शास्त्री हुए हैं, विडाल डी लाब्लाश। तो विडाल डी लाब्लाश मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। ये प्रसिद्ध भूगोल शास्त्री हुए हैं और ब्लाश जो है वो ये कहते हैं, किसी भी देश के वर्णन को बिना मानव के संबंधों के विश्लेषण किए बिना वह अधूरा है। विडाल डी लाब्लाश ने मानव भूगोल की परिभाषा में मुख्य तीन तथ्य अथवा हम कह सकते हैं कि विशेषताओं पर अधिक जोर दिया। पहला तथ्य यह है कि मानव भूगोल की घटनाएं पार्थिव एकता को स्पष्ट करती हैं तथा ये घटनाएं वातावरण से संबंधित रहती हैं, जो पृथ्वी के प्रत्येक भाग में सम्मिलित रूप से भौतिक दशाओं की उत्पत्ति में सहायक होती हैं। यानी जो भी मानव भूगोल है में जो घटनाएं हैं वो सारी की सारी पृथ्वी के अंतर्गत मौजूद जो तत्व हैं उनको स्पष्ट करती हैं। दूसरी विशेषता ये बताई विडाल डी लाब्लाश ने कि भौगोलिक खोजों और ज्ञान में वृद्धि के फलस्वरूप ही मानव के विचारों का विकास हुआ है और इन्हीं विकसित विचारों ने मानव भूगोल को जन्म दिया है। तीसरी विशेषता ब्लाश के अनुसार भौतिक वातावरण एवं मानव के अंतर संबंधों को ठीक प्रकार से समझने का प्रयास है। विडाल डी लाब्लाश ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल की परिभाषा और उससे संबंधित तथ्यों का विस्तृत रूप से वर्णन किया है।
अब अगले फ्रांसीसी विद्वान रहे हैं जीन ब्रूंस। ये ब्लाश के शिष्य रहे हैं। इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा है कि मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है जो मानव के क्रियाकलापों से प्रभावित है और जो हमारे ग्रह के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांटकर एक विशेष श्रेणी में रखा जा सकता है। जीन ब्रूंस के अनुसार देखिए भूगोल के अध्ययन का क्षेत्र पृथ्वी के धरातल का वह स्थान है जहां वायुमंडल और ठोस धरातल दोनों मिलते हैं। अगले जो हम अमेरिकन एक ज्योग्राफर हुए हैं, भूगोलवेत्ता हुए हैं, एल्सवर्थ हंटिंगटन भी ने भी मानव भूगोल के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया है, या हम कह सकते हैं विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने मानव भूगोल का अर्थ को समझाते हुए कहा है कि मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मनुष्य के कार्यकलाप एवं गुणों के पारस्परिक संबंध के स्वरूप और वितरण का अध्ययन है। यानी भौगोलिक वातावरण, इन्होंने अपनी परिभाषा में दो चीज़ें सम्मिलित की हैं, भौगोलिक वातावरण और मनुष्य के कार्यकलाप, इनका जो पारस्परिक संबंध है उसका जो वर्णन है या उसका जो विस्तार रूप से अध्ययन है वो है मानव भूगोल है। एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार पृथ्वी के धरातल पर अनेक प्रजातियां रहती हैं जिनकी शारीरिक संरचना, रहन सहन, उन प्रजातियों के जो रीति रिवाज हैं, उनका जो खान पान है, उनकी जो वेशभूषाएं हैं, उनके आचार विचार हैं और उनके जो सिद्धांत हैं वो दूसरी प्रजातियों से भिन्न पाए जाते हैं। वे कहते हैं कि इनकी जो भिन्नता का कारण है वो दो कारण हैं इनकी भिन्नता के, पहला जैविक यानी बायोलॉजिकल और दूसरा सांस्कृतिक यानी कल्चरल। जो जैविक भिन्नताएं हैं वो हमारे शारीरिक बनावट कहलाती हैं, जैसे कि हमारा रंग क्या है, आकृति क्या है, इन सब का प्रभाव जो है मानव पर जन्म से ही पड़ता है। और कुछ भिन्नताएं जो हैं प्राकृतिक वातावरण के कारण उत्पन्न होती हैं। तो वातावरण का जो प्रभाव है वो मनुष्य की क्रिया पे पड़ता ही पड़ता है, एल्सवर्थ हंटिंगटन ने कहा। और उन्होंने मानव भूगोल के अंतर्गत सभी भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावित करने वाली एवं मानव द्वारा प्रभावित की जाने वाली बातों का अध्ययन किया है। अगला जो हमारी स्कॉलर रही हैं एलन चर्चिल सैंपल, ये भी बहुत प्रसिद्ध भूगोल शास्त्री रही हैं मानव। एलन चर्चिल सैंपल जो हैं बेसिकली रेडजल की शिष्या थी। उनके अनुसार मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थाई पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन चर्चिल सैंपल का मानना है कि प्राकृतिक वातावरण एवं मानव दोनों ही क्रियाशील हैं। प्राकृतिक दशाओं में क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, टाइम के साथ चेंजेस होते रहते हैं प्राकृतिक वातावरण में। और उसी प्रकार वो कहती हैं कि जैसे प्राकृतिक वातावरण में चेंजेस होते रहते हैं वैसे ही मनुष्य भी स्थिर नहीं है, वह भी गतिशील है, वह भी प्रगति करता रहता है। नेक्स्ट हम कहेंगे जो हमारे एक फ्रांसीसी विद्वान रहे हैं एल्बर्ट डिमेजिया। एल्बर्ट डिमेजिया भी मानव भूगोल की समस्याओं पर लेख लिखे कई उन्होंने। तो उन्होंने भी मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि मानव भूगोल मानव समुदायों और समाजों के भौतिक वातावरण से संबंधों का अध्ययन है। डिमेजिया कहते हैं कि सामान्यतः प्राकृतिक दशाएं ही मानव क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को जन्म देती हैं। यानी यदि जब हम मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं तो हमें इन प्राकृतिक दशाओं और मानव की क्रियाओं व प्रतिक्रियाओं का विस्तृत रूप से अध्ययन करना पड़ता है, तभी मानव भूगोल की सार्थकता सिद्ध होती है। अगले एक जो भूगोल शास्त्री विद्वान जो रहे हैं वो मैक्सोर कहते हैं कि मानव भूगोल का सर्वोपरि कार्य
उस मनुष्य का अध्ययन है जो सक्रिय एवं जीवन तत्व के रूप में अपने अस्तित्व की दशाओं को सुनिश्चित करता है और प्राकृतिक वातावरण से उपलब्ध उद्दीपनों से प्रतिक्रियात्मक संबंध स्थापित करता है। इसी प्रकार एक विद्वान रहे हैं जे एच जी लेमान, वे मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि मानव भूगोल एक समष्टि भूगोल है, यानी स्वरूप वाला, जिसके अंतर्गत मानव और उसके वातावरण के बीच के संबंधों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली सामान्य समस्या का स्पष्टीकरण किया जाता है। अब देखिए, जितने भी हमने ये परिभाषा दी हैं, कुछ परिभाषाएं आपके सामने आपको बताने का प्रयास किया है, उन सभी परिभाषाओं से यह बात स्पष्ट होती है कि विद्वानों के विचारों में मतभेद होते हुए भी सबने अपने अपने विचार दिए हैं, भिन्नताएं हैं उनके विचारों में, परंतु उनमें मानव भूगोल के अर्थ के बारे में एक समानता मिलती है कि मानव भूगोल मनुष्य और उसके वातावरण के अंतर संबंधों से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करता है। और मानव भूगोल में हम ये भी अध्ययन करते हैं, हम ये भी स्टडी करते हैं कि जितने भी क्षेत्र हैं, जो विभिन्न क्षेत्र हैं, उनमें मानव अपने वातावरण से किस प्रकार अनुकूलन, जिसे हम कह सकते हैं एडेप्टेशन, और सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट स्थापित कर उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। मानव भूगोल का मूल मंत्र यही है कि मानव की सभी क्रियाओं का वातावरण का प्रभाव पड़ता है और वह स्वयं भी अपनी क्रियाओं से उसमें परिमार्जन करता है। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल जो है, मानव विकास के विभिन्न चरणों में उस पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभावों का एक आदर्श अध्ययन है। यह मानव और उसके भौतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन करता है। थैंक यू।